तो आज की हमारे पढ़ाने की प्लानिंग ये है। आज हम आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात किया जाएगा। इसमें दो टाइप्स आएंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और भी कैटेगरीज होती हैं लेकिन उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा इतने से काम हो जाएगा। अब क्या होगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो घटना जो होगी वो है पोलराइजेशन। तो यहाँ डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आउटकम ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन हो रहा है तो उसे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डाइलेक्ट्रिक। और कितना रिडक्शन होगा, है ना, कितना वैक्स में जितना रिडक्शन होगा क्या कैरोसिन ऑयल में भी उतना ही रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। अरे सर, इसको तो पहले पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये कहाँ उसमें था, है ना। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, है ना, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो जाएगा, ये कहाँ था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूजेस ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात किया जाएगा, क्या क्या उपयोग हैं इनके, ठीक है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक से। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस, इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट। ए डाइलेक्ट्रिक इज इसेंशली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक सिंपली आप याद रखिए, कोई भी इंसुलेटर है तो वो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि इंसुलेटर के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को फ्लो नहीं कराया जा सकता है, चार्जेस थ्रू इट परमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसको पोलराइज किया जा सकता है, और पोलराइजेशन के जरिए फोर्स उसे जनरेट कराया जा सकता है ना, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। ये थोड़ी देर में हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स क्या है? ग्लास है, वैक्स है, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, जैसे ये सब जो है क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स, है ना, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक सुनते ही ये लगता है कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये सिंपली जो इंसुलेटर आप लोग जानते थे उसी को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो सर डाइलेक्ट्रिक नाम क्यों दिया गया इसको, क्यों नहीं इंसुलेटर नाम दे दिया गया, क्यों डाइलेक्ट्रिक दे रहे हैं? तो उसको अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? आ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर ऐसे मालिकों से मिल करके अगर कोई डायलैक्ट्रिक बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर डायलैक्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इनके पास क्या खासियत होती है? द पोलर मालिकल्स हैव अनसिमेट्रिकल शेप, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-30 कूलाम मीटर, है ना। कुछ मालिकल्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, ये हाईली सिमेट्रिक है। इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर निकाला जाए तो यहाँ कहीं आएगा, और पूरे निगेटिव चार्जेस का सेंटर निकाला जाए तो जहाँ पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर आया है वो वहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो क्या होता है, क्लोरीन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है ना, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या होता है, ये हल्का सा निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसके न्यूक्लियस के भीतर पॉजिटिव चार्ज है और इसके न्यूक्लियस के भीतर क्या निगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों का सेंटर, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ कहीं आएगा, लेकिन निगेटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और निगेटिव चार्जेस का सेंटर जो है शिफ्ट कर जाएगा, जिसके कारण इसमें परमानेंटली क्लोरीन वाले पर निगेटिव चार्ज थोड़ा सा रहेगा और हाइड्रोजन वाले पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए चाहे मत रखिए। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम पोलर मालिक्यूल बोलते हैं, और पोलर मालिक्यूल से जो बना हुआ डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना, ठीक है। जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे बने हुए डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या है, केवल जो जिन मॉलिक्यूल से वो बने हुए हैं उनके नेचर के आधार पर जो है उनका वर्गीकरण कर दिया गया है। अगर पोलर अगर डाइलेक्ट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो एटम्स हैं उनमें पॉजिटिव, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक जगह ना होकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक पार्ट में हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और एक पार्ट में थोड़ा सा हमेशा नेगेटिव चार्ज बना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल किसका, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहा है, ठीक है। तो ये इसके पास अपना कोई जो है पोलराइजेशन नहीं है और नेट चार्ज जीरो है, कोई हिस्सा पॉजिटिव नहीं कोई हिस्सा नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है, किधर से किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से अगर राइट की तरफ अगर है तो वो इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल हेलीसिमेट्रिकल हो रहा था और पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड शिफ्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज अपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और निगेटिव पर क्या है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो ये हाईली सिमेट्रिकल था और नॉन पोलर था वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और इसमें जो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा वो किधर से किधर जनरेट होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जनरेट होगा, ठीक है। तो सभी में सभी सभी मॉलिक्यूल्स में जो नॉन पोलर था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ करता था, जो डायलैक्ट्रिक आपका नॉन पोलर हो रहा था वो क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो में रखने पर, मतलब कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हो जा रहा है, वो पोलराइज हो जा रहा है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लग रहा है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो ये पोलराइज हो जा रहा है ना, पोलराइजेशन हो जा रहा है। सभी मॉलिक्यूल्स में देखिए एक जैसा पोलराइजेशन हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रखा गया है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। आप जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही की डायरेक्शन में सभी मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक अगर आपने लिया तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन क्या है, यहाँ पर परमानेंट एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, ये परमानेंट एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, परमानेंट एक साइड पॉजिटिव दूसरा साइड नेगेटिव है। मालिक्यूल सभी मालिक्यूल्स परमानेंटली पोलराइज हैं, क्यों, क्योंकि वो नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक जगह कोइंसाइड नहीं कर रहा है। इसलिए होगा क्या,
कि निगेटिव, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल को आपने कहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, टार्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, उसके ऊपर टार्क महसूस होने लगता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव पर रखा है, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, दोनों पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो है, पर लाइन ऑफ एक्शन उन दोनों का सेम नहीं होने के कारण क्या है, उसके ऊपर टार्क लगेगा। टार्क लगेगा तो क्या करेगा, घुमाएगा, अब घुमा करके क्या करेगा, इसके डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डाइपोल, सभी डाइपोल्स के पास है ना, यहां पर अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी डाइपोल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब जीरो के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर है तो सभी डाइपोल्स का देखिए रेंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दिया ई ई नॉट को, तो क्या हो गया, देखिए इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इधर से इधर हो गया, इसका भी इधर से इधर हो गया, ये भी थोड़ा सा घूम गया, पहले देखिए ये पर वैसे हुआ करता था लेकिन थोड़ा सा फील्ड के डायरेक्शन में घूम गया। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं घूमा, ये प्रश्न जायज सा प्रश्न है, पूरा क्यों नहीं घूमा, ये वाला तो पूरा घूम गया, ये वाला पूरा घूम गया, है ना, इसलिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंसुलेटर में वो बंधन में होते हैं, अगल बगल के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होते हैं, इसलिए पूरा मुड़ पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हाँ, लेकिन उनकी टेंडेंसी होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएं, तो होगा क्या, ओवरऑल जो होगा, जो मटेरियल होगा उसमें महसूस होगा कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ठीक है। तो चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर, है ना, डाइलेक्ट्रिक जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने आप, नॉन पोलर होगा तो पोलराइज हो जाएगा, सीधे सीधे पोलराइज हो जाएगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, सीधे सीधे बहुत स्पष्ट रूप से पोलराइज हो जाएगा और एक साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड में निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी वही होगा, है ना, यहाँ पर लेकिन एक्शन क्या होगा, यहाँ पर टार्क लगने के कारण होगा, है ना, यहाँ पर टार्क लगने के कारण होगा, इस पर इधर की तरफ और इस पर इधर की तरफ, तो ये घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, देखिए आ गया, इस पर जो है इधर की तरफ और इस पर इधर की तरफ, तो देखिए घूम करके ये माइनस वाला यहाँ पर आ गया, प्लस वाला यहाँ पर चला गया, ठीक है ना, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल मटेरियल का अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आप निकालिए तो वो जीरो नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो उस समय सभी के पास डाइपोल मोमेंट था, लेकिन ये इस ढंग से व्यवस्थित थे कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए ये माइनस है प्लस है और ये माइनस है प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर अगर देखिए निगेटिव से पॉजिटिव है तो ये निगेटिव से पॉजिटिव नीचे की तरफ है, तो इसका लमसम कैंसिल हो जा रहा था, पूरा ओवरऑल मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का जीरो नहीं होगा, ठीक है, ओरिएंटेशन हो जाएगा, पॉजिटिव कोशिश करेगा कि राइट साइड में हो जाए और नेगेटिव कोशिश करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, ठीक है। तो इसका कैपेसिटर से क्या लेना देना है, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर से क्या लेना देना है, लेना देना है, अगर जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है, उन दोनों प्लेटों के बीच में अगर आपने ये प्लेट्स जो है पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, कैपेसिटर्स के प्लेट्स हैं, और वहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक अगर आपने स्लैब रख दिया है तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा,
ये पोलराइजेशन की घटना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस्टाब्लिश्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है इधर से इधर की तरफ एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पोलराइजेशन हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इस साइड में एक परमानेंट निगेटिव प्लेट तैयार होगी और इस साइड में एक परमानेंट पॉजिटिव प्लेट तैयार होगी। तो अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। अंदर देखिए इस ब्लॉक के भीतर जो डॉटेड, ये जो डॉटेड ब्लॉक बनाया गया है, इस ब्लॉक के भीतर देखिए ये पॉजिटिव इस निगेटिव से न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव इस निगेटिव से न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव इस निगेटिव से न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसके भीतर वाले जो है वो न्यूट्रलाइज कर जा रहे हैं, लेकिन इधर जो बचा हुआ निगेटिव है और इधर जो बचा हुआ पॉजिटिव वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पोलराइजेशन के कारण निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो एक निगेटिव प्लेट यहाँ पर तैयार हो जा रही है और एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर तैयार हो जा रही है। तो एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाएगी जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाएगी जो पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की तरफ जाएगी। अब एक्सटर्नल फील्ड किधर है? ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, और इंटरनल फील्ड इधर से इधर जनरेट हो गई, ठीक है। तो अंदर इस ब्लॉक के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो निगेटिव चार्जेस डेवलप यहाँ पर हुए हैं इस प्लेट के काफ़ी पास, तो वही इन पॉजिटिव चार्जेस को पकड़े रहने में मदद करेंगे। हाँ, ये मोबाइल चार्जेस तो है नहीं, मॉलिक्यूल के पास हैं, है ना, लेकिन निगेटिव है, तो इस पॉजिटिव को पकड़ने में मदद करेंगे। और ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और मोबाइल नहीं है, फ्री नहीं है, है ना, लेकिन इधर वाले चार्ज ये फ्री हैं, तो इनको बांधने में ये मदद करेंगे। तो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब आप दो प्लेटों के बीच में डाल देते हैं तो वो उनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि इसके बेहद करीब एक निगेटिव प्लेट तैयार हो गया और एक बेहद करीब पॉजिटिव प्लेट तैयार हो गया। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है मूव तो नहीं कर सकता है, लेकिन बांध तो सकता ही है। तो इसका अट्रैक्शन जो है इस निगेटिव चार्जेज के ऊपर लगता है, तो ये और बंधन पैदा करता है, तो इसके ऊपर और चार्ज जो है इंसर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज इंसर्ट किया जा सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन प्लेट्स के बीच में डालने पर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डालने पर वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। दैट इज द मैजिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब अलग अलग इलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग अमाउंट से जो है पोलराइज होते हैं। जैसे यहाँ पर चार निगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ चार पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कीजिए तो यहाँ 20 नेगेटिव चार्ज हो जाए, यहाँ पर 20 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, मतलब उनका पोलराइजेशन का मात्रा अलग है। तो वो कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा बनिस्बत की इसके, ठीक है, ओके। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है और इंटरनल फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ई पी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो नेट फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई नॉट में से ई पी घटा देंगे तो ई बच जाएगा, तो नेट फील्ड ई बच जाएगा एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक, है ना, फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक ये पाया जाता है कि जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, है ना, जो बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना, और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनका रेशियो सदैव कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। एक छोटा सा टर्म यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाए जा रहे हैं, मान लीजिए बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ और ये निगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ बल लगेगा, लेकिन अभी भी वो बंधन में, लेकिन एक ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिस पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये चार्जेज फ्री चार्जेज हो जाएंगे और जा करके स्पार्क जनरेट कर देंगे।
तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जितना अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भीतर जो है उत्पन्न किया जा सके, जिस पर जो है उनके बीच का बॉन्ड न टूटने पाए, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते। ठीक है, तो इन टर्म्स को अब नेक्स्ट टॉपिक अगले टर्न पे किया जाएगा, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स।